साधु के वेश में आए आधा दर्जन ठगों को लोगों ने लात घूंसों और लाठियों से जमकर पीटा। आरोपियों ने गांव में एक महिला को प्रेत बाधा दूर करने का साझा दिया था। महिला को बेसुध कर जेवर लूटकर भाग निकले। वही भनक लगते ही गांव वालों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला रायसेन जिले के मंडीदीप थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि 6 साधुओं की टोली गांव पहुंची। वही गांव वालों ने साधुओं को भोजन प्रसादी भी कराई। सभी लोग गांव में ही रुके थे। वही सुबह साधु घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। इसी बीच वह गांव में रहने वाली मनोज लोधवंशी के घर पहुंचे। उन्होंने मनोज की पत्नी सरिता को भूत प्रेत की बाधा बताई, इससे वह डर गए। तो वही महिला ने साधुओं से बाधा दूर करने का उपाय पूछा। इस पर साधुओं ने कहा कि जेवर में भूत प्रेत की माया है, जेवर की पूजा पाठ करना पड़ेगा। सरिता ने पोटली में जेवर लाकर साधुओं को दे दी, साथ ही 5,000 रुपए भी रख दिए। थोड़ी देर बाद महिला को विभूति खिलाई। तो वही महिला का कहना है कि विभूति खाने के बाद वह बेसुध हो गई, इस कारण उसे कुछ भी याद नहीं। थोड़ी देर बाद जब मनोज घर पहुंचा तो पत्नी से पूजा पाठ के बारे में पूछा। उसने बताया कि साधुओं ने पूजा की और पोटली में जेवर देखे तो वह गायब मिले। तुरंत ही मनोज ने ये बात गांव वालों को बता दी। ग्रामीण बाइक से साधुओं का पीछा करने लगे। गांव से थोड़ी दूर जाकर सभी को घेर लिया और उन्हें पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। वही पकड़े गए 6 आरोपी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वह साधु के वेश में गांव-गांव जाते हैं और लोगों में भूत प्रेत का डर दिखाकर ठगी करते हैं। आरोपियों ने बताया कि वह विभूति नहीं बल्कि हाथ की सफाई से जेवर ठग लेते हैं। लोगों को जब पता चलता है तब तक वह भाग निकलते हैं और इसके बाद वो उस इलाके के आसपास फिर कभी नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।